चेयरमैन बोलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, प्रेसिडेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अविंदर चालू करो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर डूइंग अ वर्चुअल सेमिनार ऑन हैंडलिंग नोटिसेस अंडर जीएसटी लॉ एंड आवर स्पीकर इज डॉक्टर सी आशीष आयुष सराफ। ही विल बी डीलिंग ऑन हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट टू से समथिंग अबाउट आवर एसोसिएशन। वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वर्चुअल सेशन। द जीएसटी, व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज थ्री सर्विसेज एंड नाउ आई थिंक ऑल द सर्विसेज अंडर द स्काई। तो चूंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है और हर बिजनेसमैन को इसकी जरूरत है, और अभी आज ऐसे पता चला कि पूरे इंडिया में 1,20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि पूरे इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बहुत बड़ा ये ओनस है कि हम लोग अपने काम को अच्छे से करें, फिर भी हमारे प्रोसेस में कोई ना कोई गलतियां होती ही हैं और लॉ भी इतना कॉम्प्लिकेट है कि सबको समझ में भी नहीं आता है एट ए टाइम। तो अनडाउटली हमारे मिस्टेक्स के लिए नोटिस गवर्नमेंट से इशू होंगी ही, और हमें डेवलप भी करना है और हमें इसको रिजॉल्व भी करना है। इस व्यू को मद्देनजर रखते हुए हमारी कमेटी ने आज डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम रखें जिसमें कि हम लोग डे टू डे जो नोटिसेज आती हैं जिसको हम एड्रेस कर पाएं और अपने क्लाइंट को खुद को भी और एडुकेट कर पाएं। इसीलिए हम डॉक्टर आयुष सराफ को बहुत वेलकम करते हैं, वो हमारे इस टीथिंग इश्यूज को रिजोल्व करेंगे और हमें बताएंगे। चूंकि मैं ड्यूटी बाउंड हूँ एज प्रेसिडेंट टू से अबाउट समथिंग अबाउट द एसोसिएशन। सर, ये एसोसिएशन रफली 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट की है एंड दिस इज द ओनली चार्टर्ड एसोसिएशन इन दिस ईस्टर्न इंडिया। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हेल्ड अ वेरी सिग्नेचर प्रोग्राम इन आईटीसी वेरी सून ऑन 15th मई। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन दिस प्रोग्राम। विद अ ब्रीफ दिस ब्रीफ डिस्कशन आई नाउ हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स टू चेयरमैन कविंद्र चौधरी टू प्रोसीड अहेड। मिस्टर कविंद्र, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। Now, a brief profile of Dr. C. Ashish Saraf. Dr. C. Ashish Saraf is an FCA, CS, LLB, and he has done his PhD also from ICI. Dr. Ashish Saraf is a practicing chartered accountant specialized in GST matter audit. He is a doctorate and has submitted his thesis on the impact of implementation of India's of selected Nifty 50 companies. He also contributes articles on various issues related to GST law in various forums. He is a speaker on GST matters on various. Dr. Saraf, secretary of a Guwahati branch of ICAI of India and a secretary in Lions Club of Guwahati Elite. Dr. Saraf is a guest faculty in Department of Commerce, Guwahati University, deliberating on taxation and financial. He has been associate guest faculty in the MBA department of Guwahati Commerce College in Strategic Cost and Management Accounting and the Institute of Rural Management in Audit, Financial Management and Accountancy. Dr. Saraf has also acted as a guest faculty in Department of Government of Assam. Dr. Saraf, prominent face in local news channels on over financial issues. Now I request Dr. C. Ashish Ayush Saraf to start a deliberation on handling notices under GST law. Thank you. Kavinder ji. Hello. A small observation. Hello. Haan. Start kariye bhaiya. Haan. Am I audible? Yes. Awaaz aa rahi? Yes, yes. ऑब्जर्वेशन है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर्स काफी हो रहे हैं। एक डॉक्टर आयुष सराफ जी हैं, एक डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट है और सर जो लायंस क्लब और सीए गुवाहाटी ब्रांच को लीड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया।
So, respected President VIPCA Vishnuji Tulsiyan, Secretary Vivek Ji Banka, Chairman Mayur Agarwal Ji, and Co-Chairman Kavindra Kumar Ji. It's indeed a matter of great pride for me to address this wonderful association, as I know that this organization is one of the oldest study circles in EIRC. And as Vishnuji rightly said, that it is one of the largest also, with 800 chartered accountants. So, sir, you are doing great service to the profession. And today's topic, coming straight away to the topic, sir, GST is 3 years old. And in these 3 years, it is one of the most talked about topics of the country, hot topic. We have discussed whole lot of issues ranging from return filing being the with the highest discussion amount of discussion, and the classification issues, time of supply, place of supply, and many other issues. But now the time has come when we have already filed our annual returns for the year 2017-18, 18-19 ke annual return hum file kar chuke hain, 19-20 hum us verge par hai ki ab khatam hone wali hai, kisi ke nahi hui to wo extension ke liye wapas se representation denge, मगर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कम से कम कंप्लीट हो गई है सबकी. सो नाउ द नेक्स्ट टू इयर्स व्हाट वी विल बी विटनेसिंग इज अ होस्ट ऑफ लेटर्स एंड एससीएन नोटिसेस व्हिच विल बी फॉलोड बाय वेरियस प्रोसीडिंग्स अंडर द जीएसटी एक्ट. सो इट बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस to understand as to how to deal with these notices and what are the fine prints under which department may make mistake or we can make mistakes. So let us start our discussion. Screen sharing, yes. So is the screen visible? It is visible. Yes, sir. Okay. So, sir, let us start with the Constitution of India. What does our Constitution say? Article 265 of the Constitution of India says that no tax shall be levied or collected except by authority of law. So, what does this mean? Whatever tax is levied from us, may it be by any proceedings or by any other manner, it has to be as per the procedure and as per the mandate given in the law. Any deviation from it shall be against the basic ethics of the Constitution or basic tenets of the Constitution. So the this primary thing we have to keep in mind when we are dealing with this adjudication stage of GST law. Assessment and appellate procedure. See, these are the basic phases under which appellate and assessment procedure shall be followed. The first one being investigation, inquiry, and adjudication, which is covered in the chapters 12, 13, and 14. Show cause notice is also covered under this these chapters itself. But since we are discussing this in this webinar as a separate topic, so I mentioned it separately. However, this gets covered under the first point itself. The next being after adjudication comes the stage for demand and recovery, which is covered by chapter 15. And if any SAC is not satisfied with the outcome of the assessment or adjudication procedure, he is very well allowed to move the higher courts, appellate forum, which includes commissioner appeals, the tribunal, or the high courts and Supreme Court. So this is the snapshot of the assessment procedure under the GST law. Yes, these are the three chapters which we will be discussing now. Section 59, self-assessment. Section 60, provisional. Section 61, scrutiny of returns. 62, assessment of non-filers of returns. Section 63, assessment of unregistered persons, and Section 64, summary assessment in certain special cases.
And chapter 13 covers audit assessment, that is by tax authorities, and by special audit, that is by chartered accountant or CMAs. We'll be discussing in the following part. Now, these are provisions for inspection and seizure. These provisions we will not be discussing today due to paucity of time. However, we will try to take as much inference from these sections as possible in our discussions. Yes, now comes the main topic of our discussion today. Why issue an SCN? SCN ki kya zarurat hai? SCN issue karne se kya hota hai? SCN issue nahi karne se kya hota hai? Kya hoga agar koi assessing officer SCN issue kiye bina hi assessment kar de? Kya importance hai SCN ki? Chaliye hum samajhte hain. The Honorable Apex Court in the case of Umanath Pandey said that notice is the first limb of this principle. It must be precise and unambiguous, and in the absence of a notice, the order passed becomes wholly vitiated. That means, agar notice nahi pass nahi diya gaya, to order hi vitiate ho jata hai, order void ho jata hai. Similarly, in Baker Law Right Limited, one of the essential ingredients of fair hearing is that a person should be served with a proper notice. That is, person has a right to notice. नोटिस मिलना हमारा अधिकार है, ये हमारी मेन अधिकार क्षेत्र में आता है. अदर कोर्ट रूलिंग्स, मधुमिलन सिंटेक्स, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी डिमांड रेज्ड विदाउट इश्यूइंग शो कॉज नोटिस और ग्रांटिंग अ हियरिंग वुड बी इनवैलिड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट. पेरिमेटेरिया केस है. इन केस ऑफ बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, the Supreme Court held that the show cause notice is the foundation in the matter of levy and recovery of duty, penalty and interest. And in case of Toyo Engineering, held that where certain grounds were not mentioned in the show cause notice, the department cannot travel beyond the show cause notice. That means, show cause notice mein jitne grounds mention kiye gaye hain, unhi grounds ke andar mein department ko ab adjudication karna chahiye. अगर उससे बाहर जाना चाहते हैं तो फिर उसकी एक अलग से प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी. उस शो कॉज नोटिस के अंदर में दे कैन गो पॉइंटर ओनली ऑन दोस पॉइंट्स व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द शो कॉज नोटिस. सो दीस कोर्ट रूलिंग्स गिव्स अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ शो कॉज नोटिस एंड व्हाई वी शुड डील विद शो कॉज नोटिसेस इन अ वेरी डेलिकेट मैनर. फॉलोइंग पार्ट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि शो कॉज नोटिसेस किस तरह से हमें रीड करनी है और उसमें किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं. शो कॉज नोटिस, कैन अ शो कॉज नोटिस बी अपील्ड अगेंस्ट? क्या हम अपील कर सकते हैं शो कॉज नोटिसेस का? सेक्शन 107 जो एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए प्रोविजन है कमिश्नर अपील्स के पास, वो कहती है कि ऑर्डर या डिसीजन उसके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है. ऑर्डर और डिसीजन, अगर ये ऑर्डर भी नहीं है और डिसीजन भी नहीं है तो उसको अपील ही कैसे होगा? शो कॉज नोटिस इज नीदर अ डिसीजन नॉर अ ऑर्डर. शो कॉज नोटिस इज एन इंटीमेशन टू यू और अ लेटर टू यू आस्किंग इंफॉर्मेशन एज टू वी आर इन नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट्स, काइंडली गिव योर साइड ऑफ द स्टोरी. तो अगर एक SCN basically it is an inquiry that aapka beware the issues which we have found come across, kindly inform us as to what should be done or what is your point of view. But there might be certain cases where commissioner appeals mein file nahi kar sakte, but there might be certain cases where there has been gross violation of the law in issuing so called notices. तो क्या हम उस उन केसेस में शो कॉज नोटिसेस का रिप्लाई देंगे? आई थिंक इन दैट केस हाई कोर्ट्स विल बी ऑफ यूज एंड अ रिट अंडर आर्टिकल 226 इज ऑलवेज पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस, दैट इज अ प्री डिटरमिंड माइंड. इसका मतलब क्या हुआ? अगर शो कॉज नोटिसेस एक ऐसी तरह ड्राफ्ट किया गया है जिससे समझ में आता है कि असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमिन मान लिया है कि भाई एक गलती हुई है एंड उसने हमें ऑप्शन ही नहीं, वो हमें ऑप्शन ही नहीं देना चाह रहा कि भाई वी प्रूव आवर इनोसेंस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट फॉलोड, हमें हमारे डिफेंस करने का मौका नहीं दिया गया और हमें सीधा कह दिया गया कि भाई आप डिपॉजिट करा दो इतने रुपए, आप इस चीज में गलत हो.
Yeah, blatant abuse of powers under the law, that will vary case by case. Lack of jurisdiction, ये हम आगे जाके discuss करेंगे. Lack of jurisdiction से किस तरह से यहाँ पर ineligibilities आ रही हैं, और limitation, इसको भी हम आगे जाके discuss करेंगे. तो ये पांच मापदंड है जिनके अगर ये सब मौजूद है तो we can always go for a writ, and in all probability the honorable court might admit the case if it deems it fit to do so. Sir, if there are any questions and queries, it can always be asked. आप बीच में intervene कर सकते हो ताकि interactive रहे session. Yes, sir. So सबसे पहला हमारे assessment chapter में है self assessment. Department हमें सबसे पहले option देता है self assess करने का. हम जो भी GSTR 3B file कर रहे हैं या 4, 5, 6, 7 जो भी file कर रहे हैं, that is a self assessment. तो डिपार्टमेंट पहले हमें ये कहता है कि भाई आप अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दो, सही से डिक्लेयर कर दो, एंड दैट इज योर असेसमेंट, वी विल एक्सेप्ट दैट. अब उसके बाद अगर कुछ उनको डाउट्स होता है तो उसके लिए फिर सब्सिक्वेंट सेक्शंस हैं जो कि हम पढ़ेंगे. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस सेक्शंस बिकॉज दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वी विल जस्ट गो थ्रू इट वंस. प्रोविजनल असेसमेंट, आईओसी, एप्लीकेबल टू अ टैक्सेबल पर्सन. सर, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन. Section 59 is proposed, yes, to be amended by this bill. Not only 3B, but even you have, yes, some taxes in GSTR 1 and GSTR 3B is lower than that. Yes. And whatever you declared in GSTR 1 will be treated as a self-assessment. Yes. Sir, you are not audible, sir. Hello? Am I audible now? Yes, 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 sir. What I supplement to your deliberation, Section 59 is proposed, yes, to be amended by this budget. Now GSTR 1, whatever, yes, liability, sir, you have declared in GSTR 1, which is lower, higher than the your 3B. Yes, sir. Then that will be, yes, treated, sir, as a self-assessment. That will be taken, in, yes, of only 30, yes, sir, 39. That will be treated as a self-assessment. 37, yes, is, sir, also included in Section 50. Yes, sir, definitely. Yes, sir, yes, sir. Abhi tak, sir, the amendment passed nahi hai, isliye I have mentioned it. Sir, you are audible now. Actually, the amendment is not yet passed. That's why we have not discussed this one. Hello? Because, sir? Yes, I have seen. Yes, sir. You are very correct, sir. So, hello? Yes, yes, yes. Please go ahead. Please go ahead. Yes, sir. Yes, sir. So, Section 60, provisional assessment, it is applicable to a taxable person. Mind the words, taxable person, not registered person. When the taxable person is unable to determine value of goods or services or both, or determine the rate of tax, that means even an unregistered person can go to the assessing officer. Agar usse register karna hai, wo apna rate of tax decide nahi kar pa raha ya kuch hai, to he can always approach the proper officer and get the things assessed or decided. Is cheez pe hum zyada discuss nahi karenge because these are very less used section. We will be moving on to section 61, which will be the most important section. And let me tell you, most of the letters or SCMs in the coming 1 year, 2 year will be from this section. At least you can expect. Ab department kya karti hai pata nahi, department bahut kuch kar rahi hai in dinon mein. But let us critically analyze this section 61 so that we can make a critical analysis of the SCMs which we receive under this section. Okay, so section 61. The proper officer. The first one is proper officer. Proper officer kya hota hai? We will be discussing in the later part of our discussion. May scrutinize. That means it is not compulsory that each and every return will be scrutinized. It is upon the decision or discussion. May scrutinize the return. अब रिटर्न हम क्या समझते हैं सर, चलिए देखते हैं. सो दिस इज अ रिटर्न, सेक्शन 297. रिटर्न मींस एनी रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय और अंडर द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर. ओके, सो ये रिटर्न है एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स. रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. सपोज in December month, my e-way bill data is 50 lakhs. My
sale as per GSTR 1 is say 30 lakhs. In GSTR 3B, the sale is 50 lakhs. So now, can the proper officer scrutinize my GSTR 1 and for the differences between GSTR 1 and e-way bill data under section 61? Sir, any answers? My question, I'll repeat again. Whether the proper officer can scrutinize GSTR 1 for the difference between e-way bill data and GSTR 1? Sumayu Goyal ji bol rahe hai, yes. Anyone else? Anyone else? Sumayu ji, can you give a reason? Okay, चलिए हम discuss करते हैं इसको. इसमें लैंग्वेज क्या है? रिटर्न. रिटर्न क्या है? सेक्शन 39. सो इज जीएसटीआर 1 कवर्ड अंडर सेक्शन 39 एंड इज जीएसटीआर 1 रिटर्न और अ स्टेटमेंट? इन माय हम्बल व्यू, जीएसटीआर 1 इज अ स्टेटमेंट, नॉट अ रिटर्न. रिटर्न इज जीएसटीआर 3B. ओके, एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स. अब जीएसटीआर 1 के रिलेटेड पर्टिकुलर्स नहीं होगा जीएसटीआर 3B के. सो रिटर्न इज जीएसटीआर 3B एंड द रिलेटेड पर्टिकुलर्स आर जीएसटीआर 1 और एनीवन एंड एनीथिंग एल्स. प्रीतिका जी आप बोल रही हैं इट विल बी, इसका मतलब इट विल बी अ रिटर्न जीएसटीआर 1. No, madam, GSTR 1 is not a return. In my humble view, it is a statement. And yes, it will be a related particular. Very correct, ma'am. Very correct. GSTR 1 is a related particular. And the proper officer can demand any other document after selecting the return for scrutiny. So first, he has to select the return. Wo return ko select kiye bina scrutiny mein, agar related particulars mangta hai, so this notice itself is void in my humble view, kyunki isme jo basic crux hai, that is scrutiny of return, not scrutiny of related particular or any other document. So you have to first select the return of the relevant month for scrutiny, and then you have to get the data and do whatever assessment you want to do. Next we come furnished by the registered person. That is very clear. Registered person ही return file कर सकता है, तो registered person is included in this section to verify the correctness of the return. So what do we mean by correctness? Correctness का मतलब खाली arithmetical correctness होता है या policy issues भी हम इसमें ले सकते हैं? चलिए इसको हम discuss करते हैं आगे. And inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed, and seek his explanation there too. Okay. अब आते हैं rules में. इस part को यहीं छोड़ देते हैं 61(1) को. अब हम आ जाते हैं rules में. Where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same provisions of section 61 with reference to the information available with him. So now let's see what do you mean by information available with him. चलिए पढ़ते हैं इसको भी. सर, 6th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस इश्यू के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें सीसीटी कर्नाटका ने लिखा. सीसीटी कर्नाटका फर्दर क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द आईटी सिस्टम फॉर द सस्पिशियस केसेस रिक्वायरिंग स्क्रूटिनी, आईटी सिस्टम उनको डेटाबेस देगा स्क्रूटिनी करने के लिए सस्पिशियस केसेस. द ऑफिसर वुड टेक इनटू अकाउंट ऑल फैक्टर्स एंड माइट इशू नोटिस फॉर स्क्रूटिनी इन सेलेक्ट केसेस एज पर द रिक्वायरमेंट. ऑफिसर को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा
सिर्फ आईटी सिस्टम से कोई डेटाबेस आ गया और हम उसके बेसिस पर हम स्क्रूटिनी के लिए ला दे, वो लेजिस्लेटर्स का इंटेंट नहीं था कभी भी. ही एडेड दैट इफ नोटिस वॉज इशूड ओनली बेस्ड ऑन कंप्यूटर एनालिसिस द कोर्ट माइट स्ट्राइक इट डाउन ऑन द लैक ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड. तो ये बेसिस बेसिक प्रीमाइस था लेजिस्लेटर्स के माइंड में जब वो इस इशू को डील कर रहे थे. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द टेबल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर एंड ही हैज टू अप्लाई हिज माइंड, ही हैज टू डू हिज ड्यू डिलीजेंस. सिर्फ एक डीजीआरएम से उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ये पार्टीज है, उन्होंने कुछ अपना होमवर्क नहीं किया, सीधा चिट्ठी भेज दिया और स्क्रूटिनी कर दिया, स्क्रूटिनी के लिए नोटिस एएसएमटी भेज दी. उस तरह से करने से नहीं होगा. चलिए हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करते हैं. ये एक प्रैक्टिकल केस है, कुछ दिनों पहले ये आया हुआ है. इसमें क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने ये लेटर मेल किया मेरे एक क्लाइंट को और उनको कहा गया कि आपको एक चिट्ठी भेजा है, हमने फोन किया, उन्होंने दैट वी हैव सेंट यू अ लेटर, काइंडली रिप्लाई दिस, वी हैव सीन द लेटर. नाउ इफ वी ऑब्जर्व द लेटर व्हाट इज रिटन देयर, प्लीज माइंड द लैंग्वेज सर. Subject, request for submission of documents. Request for submission of documents. Okay. In pursuance of the information received at this office, it appears that there is mismatch in liability declared in your GSTR 3B returns for the period November 2020 to December 2020. And the value of supply in your e-way bills to the tune of 1,59,60,000 only. You are therefore requested to submit the relevant documents pertaining to the period at the earliest for necessary verification at this end. Please treat this as treat it as most urgent. अब इस ऑफिसर ने क्या किया, इनके पास DGRM से कोई नोटिस आया होगा, कोई इंफॉर्मेशन आई होगी, इन्होंने बिना देखे चिट्ठी भेज दी. पहला बात तो इसमें कोई प्रोविजन भी नहीं लिखा हुआ कि किस प्रोविजन के अंदर में उन्होंने भेजा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट और इसमें डिन नंबर इसीलिए नहीं है क्योंकि ये स्टेट का लेटर है. इन स्टेट्स वी ऑल नो मैक्सिमम केसेस दे आर नॉट हैविंग दिस थिंग. सो जब हमने इसको परस्यू किया, जब हमने इसका ईवे बिल डेटा और टैली को मिलाया, हमने देखा देयर वाज नॉट इवन अ पैसा ऑफ डिफरेंस, देयर वाज नॉट इवन वन पैसा ऑफ डिफरेंस. एंड वी इमीडिएटली प्रिपेयर्ड वन रिप्लाई, वी सेंट इट टू द ऑफिसर. That said, this is the thing. Immediate his response was, "Oh, mistake ho gayi hogi." So this was his reply. Now, I could have challenged this letter on various grounds, but I didn't do so. वो हम आगे discuss करेंगे क्यों नहीं किया और हमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए. हमारे पास details थे और हमको समय पे पता चल गया. So there was no sense doing that. हमने उनको reply de di with all documents and all justifications and the case was closed. So these are the practical mistakes which are being done at the departmental level. So these can become a headache for them later on and it can become a boon for some errant assessees. Means agar kisi ne miss kar di notice ko, tab uske liye ye ek defense ka point ho sakta hai, wo hum aage discuss karte hain. Chaliye. And in case any discrepancy, he shall issue a notice to the said person in form GST ASMT 10. मैं इस केस में तो ASMT 10 तो इश्यू ही नहीं किया उन्होंने, इनफैक्ट कोई प्रोविजन ही नहीं लिखा कि इस प्रोविजन में उन्होंने ये काम किया है. Informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time, not exceeding 30 days from the date of service of notice. इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है सर, not exceeding 30 days. रूल में. अब हम सेक्शन में जाते हैं सर, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. सेक्शन में सब सेक्शन 3 में आते हैं सर. इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. सेक्शन कहता है कि आपके पास 30 दिन का समय है. रूल कहता है कि आपके पास मैक्सिमम 30 दिन का समय है. मतलब एसेसिंग ऑफिसर कम समय भी दे सकता है. नॉट एक्सीडिंग 30 डेज का मतलब तो वही हुआ.
In my humble view, the rules always, the section always supersede the rules. But this is again a matter of litigation. Department कितनी cooperate करेगी वो आपको भी पता है, हमें भी पता है. From the date of service of notice or such period as may be permitted by him, and also where possible, quantifying the amount of tax. Possible, where possible, it's not compulsory कि वो quantify करे. अगर possible है, so he should always quantify it. Okay. अब आते हैं हम subsection 2 में. In case the explanation is found to be acceptable, the registered person shall be informed accordingly, and no further action shall be taken in this regard. This is very clear. Now, इस third subsection को हम लोग देखते हैं. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, in case no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer, or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancies fails to take corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted. Language, please samjhiyega sir. The section says the corrective measure is to be done in his return for the month in which discrepancy is accepted. But kya hame return revision ke option hai? We have no option to revise return. So ye ek lacuna hai, but yes, this can always be solved by filing DRC 03. Wahi hum kar rahe hain aur wahi karna padega, kyunki there is no other option at a behest. Okay? Now, अब क्या होगा अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मतलब इफ द असेसिंग ऑफिसर फील्स दैट नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई व्हाट कैन ही डू ही कैन ईदर ऑर्डर अ डिटेल्ड ऑडिट ऑफ द केस बाय द डिफरेंशियल अथॉरिटीज और सेक्शन 66 दैट इज स्पेशल ऑडिट जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सम स्पेसिफाइड केसेस नॉट इन ऑल केसेस और सेक्शन 67 सर्च सीजर इंस्पेक्शन या वो सेक्शन 73 और 74 के अंडर में डिमांड रेज करेंगे. वी विल डिस्कस दिस टू लेटर ऑन. तो ये बेसिक प्रोविजंस है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के. इसमें अगर कोई भी आपको क्वेरीज हैं आप काइंडली पूछते जाना साथ में. हम प्रैक्टिकल भी अभी देख रहे हैं कैसे ASMT 12 10 11 12 इशू होते हैं. लेट अस चेक दैट वन. यस सर, ये एक सेक्शन 61 का लेटर था. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ GSTR 3B रिटर्न्स, इट इज नोटिस दैट यू हैव पेड टैक्स लेट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड. द टैक्स हैव बीन पेड बट इंटरेस्ट ऑन डिलेड टैक्स हैज बीन पेड हैज नॉट बीन पेड बाय यू. अब ये जो लेटर है सर, ये तो एक नॉर्मल लेटर था. इट इज नॉट इशूड इन ASMT 10. So it is suffering from a major defect. अब हम क्या करेंगे उस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं. एक और ये आ गया मेल. Dear taxpayer, during the scrutiny of your returns, it has come to notice that there is a difference in ITC. ये हम सबको मिल रहा है, बल्क में जा रहा है. Now क्या ये एक information है या एक SCN है? Department ही जानेगा. अब जब ASMT 10 इशू होता है, इट कैन बी व्यूड फ्रॉम द सर्विसेज टैब, यूजर सर्विसेज, व्यू एडिशनल ऑर्डर्स एंड नोटिसेज, नॉट अंडर व्यू ऑर्डर्स एंड नोटिसेज. मैक्सिमम लोग ये गलती कर जाते हैं कि व्यू ऑर्डर्स एंड नोटिसेज एंड ऑर्डर्स देख के छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली इट कम्स अंडर व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स. इसमें आगे देखते हैं. देखिए, जब हम एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स खोलेंगे तब यहां पे ये स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, दिस वन. आफ्टर दिस वी कैन डाउनलोड द नोटिस, वी कैन फाइल अ रिप्लाई, वी कैन फाइल द रिप्लाई एंड द फाइनल ऑर्डर विल आल्सो बी अपलोडेड इन दिस पोर्टल और इन दिस लिंक इटसेल्फ. So the entire system is online and it comes under this user services tab of the GST portal under your login. GST ASMT 10 ka ye bhi normal format hai, manual format hai. E-format bhi almost similar hi hai. So this is all about scrutiny of returns. Anything
कोई भी अगर सवाल हो इससे रिलेटेड आप काइंडली पूछ सकते हो. चलिए यस, अब आ गया सेक्शन 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, रूल 100. नॉन फाइलर्स का मतलब क्या है सर? वन हु इज रजिस्टर्ड बट हु इज नॉट फाइलिंग अ रिटर्न. ओके, ये एक नॉन ऑब्स्टैंटिएट क्लॉज से स्टार्ट होता है सर ये सेक्शन, विच सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन सेक्शन 73 और 74. दैट मीन्स ये कह रहा है कि सेक्शन 73 या 74 में कोई भी कॉन्ट्रारी प्रोविजन है तो ये दिस सेक्शन विल प्रिवेल, नॉट 73 74. इट डज नॉट से दैट नथिंग इन 73 74 शैल अप्लाई. It says that in case of a conflict between section 73-74 and this section, the provisions of this section shall prevail. Where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45. Section 39 hum discuss kar liye. Section 45 annual returns, even after the service, final return. Final return jab cancellation ke baad hota hai. Even after the service of a notice under section 46, that means section 46 में जो GSTR 3A issue की जा रही है, वो जब issue होगा, उसके बाद भी है, then assessment can be done under this section. Please mind my words, assessment can be done under this section. Under this section, there is no requirement to resort to section 73 or 74 for assessment purpose. Assessment can be done in this section itself, and assessment order can be passed under this section. So this is the peculiarity of this section. Now, when we were discussing that notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or 74, hum kya mean kar rahe the? Sir, kuch aise pravadhan hai jo ki section 73, 74 aur iske beech mein difference hai. Jaise section 73 gives only 3 years from the date of annual return. इसमें इन लोगों ने एक flat time period of 5 years prescribe कर दिया गया है. चाहे वो willful हो या non-willful हो, the time period will be 5 years. Secondly, section 73-74 5-6 specified cases है, short payment of taxes, excess ITC utilization, उस तरह के 5-6 cases है, उन cases में ही 73-74 को resort किया जा सकता है. But this section can be resorted under any circumstance if the returns are not filed. The proper officer may proceed to assess the tax liability of the proper officer, sir. So this word ko yaad rakhiyega, hum aage discuss karenge isko. May proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment. Best of his judgment kya hota hai? Isse bhi hum next slide mein discuss karenge ki best of the judgment hum kab manenge usko. Taking into account all relevant material which is available or which he has gathered. So he has to take into account relevant material. Whimsical nahi ho sakta. To the best of his judgment means he has to judge the situation with the data available with him and his common sense. Where the registered person furnishes, agar 30 din ke andar mein aapne return file kar di, to jo assessment order is section mein pass ki gayi hai, That will be deemed to be withdrawn. इस सेक्शन में हम एक मतलब इसकी एक स्पेशलिटी है कि इस सेक्शन में सेक्शन 46 में जो हम 3A इशू करते हैं उसमें क्या कहते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में रिटर्न, 15 दिन के अंदर में रिटर्न फाइल कर दो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू डू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है तब इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता, असेसिंग ऑफिसर अपने आप कर देता है, बाद में उसको असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है, देन ही गेट्स 30 डेज टाइम टू फर्निश द रिटर्न एज पर हिज असेसमेंट एंड गेट द असेसमेंट ऑर्डर कैंसल्ड. सो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस सेक्शन. इन दिस वन दो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जा रहा, बट इट इज गिवन एट अ लेटेस्ट स्टेज. Because this is the nature of this section, that the person is a non-filer even after information.
So in this case, if you think that you can move the Supreme Court or the High Court or and prefer a writ on this Article 226, I don't think it will be admitted at any cost. Okay. The order of assessment made in this section shall be issued in form GST ASMT 13 and summary in DRC 7. Okay. I see. What will be the basis of issuing best judgment under Section 62? Sir? What will be the basis for issuing order under Section 62? Sir? Our department will ascertain the best judgment. Yes, sir. I am discussing this. Yes, yes. Yes, sir. I am discussing this, sir. Sir, Calcutta High Court in Jagdish Prasad Pannalal versus Member Board of Revenue, West Bengal. Learned advocate for the appellants did not say that the authorities made the assessment order dishonestly or vindictively. He suggested that the order was made capriciously. But no evidence has been placed before us to enable us to accept the suggestion. It may be that the authorities were wrong, but that does not mean that they were capricious in the finding they made. In this case, on the facts before us, we hold that the authorities did apply their mind and tried their best to come to a correct conclusion. Even if it were wrong, the applicants cannot be held in any way. So the High Court says that though उन्होंने प्रोसीजर में भी फॉलो नहीं किया हो, मगर उन्होंने अपना दिमाग जरूर लगाया है इसमें और एक whimsical जजमेंट नहीं दिया है. दे हैव अप्लाइड देयर माइंड एंड इट कैन बी टर्म्ड एज अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. नाउ लेट अस सी वेयर वी फाइंड दिस वन. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जीएसटीआर 3A. वी ऑल आर अवेयर एंड आई एम 100% श्योर एवरीवन इज रिसीविंग दिस नोटिस. इट कैन बी एक्सेस्ड अंडर this user services view notices and orders. This one, service generated system generated notice notice to return defaulter under section 46 for non-filing of return. Now the question of Vikas sir, आपने पूछा कि इसका basis क्या होगा. The basis will be first one, as हमने थोड़ी देर पहले वो GST council की just a second, let me go there. Yes, हमने GST council के discussion को देखा था. इसमें क्या कहा गया? CCT Karnataka further clarified that while the IT system would throw up the suspicious cases, सबसे पहला जो reference रहेगा वो रहेगा IT system. That is their red flag reports जो आएंगी assessing officer के पास. Maybe जैसे center के case में DGRM हो गया, आपके DGCI है, वो तो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन विंग है. आपके कोलकाता में आई थिंक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमारे आसाम में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट है. सो ये सब डेटा गैदर करते हैं, उस बेसिस पर हर एक असेसिंग ऑफिसर के पास डेटा जाएगा, उसको अपना माइंड अप्लाई करना है वेदर दिस डेटा इज करेक्ट और नॉट. कम से कम एक प्रिलिमिनरी उसको इन्वेस्टिगेशन तो करना होगा. नॉट लाइक द वन विच आई शोड यू दैट He's writing that there is a difference of 1 crore 60 lakhs, but in actuality there is no difference. Agar usne apna ye report hi run kar liya hota, e-way bill ka data hi us samay ka nikal leta, tab bhi unko samajh mein aa jata ki there is no difference. But unhone utna kasht karne ki zehmat uthai nahi, unhone seedha ek notice bhej diya aur SSC to hai kaam karne ke liye, wo kaam kiya, usne reply bhi diya. So this is the basic thing. However sir, the language of the section nowhere says that it can be done only on the basis of red flag data or anything else. Isme kya likha hua hai sir? Isme likha hua hai may proceed the tax to assess the tax liability to the best of his judgment, taking into account all relevant material which is available or which he has gathered, which is available matlab jo intelligence data hai या जो डेटा उसने खुद ने गैदर किया. अगर उसे लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ है और वी कैन प्रोसीड, ही कैन ऑलवेज सिलेक्ट द केस. और लेट मी टेल यू, इस केस में चैलेंज करने के लिए एसएससी के पास बहुत कुछ बचता नहीं है, क्योंकि एसेसिंग ऑफिसर हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज निकाल लेगा कि वो कहेगा कि भाई इस बेसिस पर मैंने किया, और कोर्ट्स विल ऑलवेज बी अकोमोडेटिव कि ओके लेट द असेसमेंट गो ऑन. प्लीज कोई भी क्वेरीज रहे तो आप काइंडली पूछते रहा करिए. असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस,
notwithstanding maybe a non-obstantial clause hai, where a taxable person, अब यहाँ पे taxable person क्यों आ गया? क्योंकि taxable person, यहाँ पे person language नहीं लिखा, इन्होंने लिखा taxable person because the person is required to register, get registered only if he is taxable. So taxable person इसमें दिया गया ताकि वो that he is liable to pay tax but he has not taken registration. So where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so, or whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 but who was liable to pay tax. अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं हम सर. सिक्स्थ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसमें सेक्शन 61, उस समय सेक्शन के अरेंजमेंट कुछ और थी, तो उस समय असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस, उसमें डिस्कशन हुआ. द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम हरियाणा सजेस्टेड टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस टू ऑल्सो इंक्लूड दोज पर्संस हुज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड but who was not liable to pay tax. The council agreed to this suggestion. So yahan se emanate hua this section, this provision has emanated from this these discussions of the GST council. This was just for reference purpose, this won't affect us in any manner. The proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant periods, for the relevant tax period, and issue an assessment order within a period of 5 years. Same provision is section 62 ki tarah sir, annual return due date se 5 saal ke andar mein aapko karna hai, provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard. Opportunity of being heard aapko dena padega order pass hone se pehle. Ab isme kuch view aise aa rahi hai ki wo keh rahe hain ki humne to annual return file hi nahi ki, तो हमारा ड्यू डेट फिर कब से आएगा? सर एनुअल रिटर्न, इसमें ड्यू डेट के बारे में कहा गया है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न वही माना जाएगा सर. तो उस चीज में डिस्प्यूट बिल्कुल भी नहीं है, एंड द डेट विल बी टेकन एज द ड्यू डेट फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न 5 years फ्रॉम दैट डेट. रूल 100, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63 in form GST SMT 14, which is manual. ये मैंने लिखा है, this is manual, ये rules में नहीं है. Containing the grounds. Sir, किसी भी SCN में हम जब अभी 61, 62 पढ़े हैं, वहां पर grounds लिखने के बारे में नहीं कहा गया है. मगर क्योंकि ये एक unregistered person को हम issue कर रहे हैं, तो इसीलिए कानून ने ये प्रावधान रखे हैं that you mention the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment. And also serve a summary thereof electronically in form GST DRC 01, that is ASMT 14 plus DRC 01, electronically after allowing a time of 50 days to such person. 15 din ke andar aapko reply karna hai aur baad mein order pass hogi ASMT 15 ya DRC 7 mein. So ye kanun ka basic pravadhan hai jiske hisab se hame act karna hai. Ab hum aate hain सेक्शन 64, समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस. प्रॉपर ऑफिसर इफ ही हैज एविडेंस दैट देयर हैज बीन एनी एस्केपमेंट ऑफ टैक्स, ही मे विद द प्रायर अप्रूवल, उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का, अगर उसे इस तरह के असेसमेंट करनी है तो. किसका करेंगे असेसमेंट? हुज पर्सन, दैट मीन्स किसी भी इंसान का, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसका असेसमेंट किया जा सकता है. प्रोसीजर, असेस टैक्स लायबिलिटी एंड इशू, दीज आर प्रोसीजरल थिंग्स सर, इस पे हम ज्यादा जाते नहीं है क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और हमारे पास बहुत इशूज है डिस्कस करने के लिए, इंटरेस्टिंग इशूज है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर ओनली प्रोसीजरल इशूज. ऑडिट बाई टैक्स अथॉरिटीज, so this will be the year in which we will be facing many audits because the department is gearing up for audits. Abhi tak maniye ye boon kahenge ya jo bhi kahe ki kabhi corona aa jata hai, kabhi kuch aa jata hai, GST law mein kabhi bhi abhi is phase mein hum aa nahi sake hain jisme ki annual return file kiye ko 1 saal ho gaya. So now we are expecting that audits will be starting very fast, very swiftly. Applicable kisko hota hai audit? Tax authorities ki taraf se. एक्साइज में भी हुआ करता था,
रजिस्टर्ड पर्सन का ही ऑडिट होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन का तो ऑडिट होगा नहीं। पीरियड एनी कानून में लिखा गया है एनी फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ और इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, दैट मीन्स हम 6 महीना भी ले सकते हैं, 1 साल भी ले सकते हैं, 2 साल भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कमिश्नर या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, प्लेस या तो एसएससी के प्लेस में या डिपार्टमेंट में एज पर द म्यूचुअल थिंग। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा सर, रूल 101 में नोटिस 15 वर्किंग डे प्रायर वर्किंग डेज होना पड़ेगा, 15 डेज नहीं लिखा गया, 15 वर्किंग डेज दिया गया। टाइम लिमिट विद इन 3 months ऑफ कमेंसमेंट और इफ एक्सटेंडेड देन मैक्सिमम 6 months एक्स्ट्रा, मतलब 9 महीने तक एक्सटेंड की जा सकती है, 9 महीने के अंदर अंदर तक खत्म हो सकती है, पहले 3 महीने में खत्म करने हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर 3 महीने, फिर और 3 महीने, मतलब 9 महीने तक का टाइम लिमिट है। पावर्स वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, देयर आर वेरी वास्ट पावर्स, दे मे वेरीफाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच एन ऑडिटर कैन। पोस्ट ऑडिट इन्फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द फाइंडिंग्स अलॉन्ग विथ हिज रीजंस हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जिसकी ऑडिट की गई है, उसको ऑडिट होने के बाद बताया जाएगा कि भाई आपका ये राइट्स, ये आपके फाइंडिंग्स है हमारी, आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे दीजिए, अगर उनको वो मान्य नहीं है सो दे विल गो अहेड विद एक्शन अंडर सेक्शन 73 एंड 74 विच इज अ सेक्शन फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स डिमांड एंड रिकवरी, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। डिपार्टमेंट ने एक जीएसटी ऑडिट मैनुअल इशू की थी 2019 में, जीएसटीएम 2019, बहुत डिटेल्ड मैनुअल है जिसमें कि बहुत डिटेल तरीके से लिखा गया है कि किस तरह से ऑडिट कंडक्ट की जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, किस तरह से फॉर्मेट्स बनाने हैं, किस तरह से ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना है। इट कंटेन्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द ऑडिट टू बी कंडक्टेड बाय एनी ऑफिसर, इसमें पीरियड टू बी कवर्ड जो हमने डिस्कस कर ली, फाइनेंशियल ईयर पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल्स देयर ऑफ, क्राइटेरिया रिस्क असेसमेंट ऑफ टैक्सपेयर्स, इसको हम नीचे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट में क्या क्या है। नोटिस फॉर ऑडिट जीएसटी एडीटी 1 विद 15 प्रायर डेज एंड फाइंडिंग्स दिए जाएंगे एडीटी 02 में, इशूड विद इन 30 डेज। शो कॉज नोटिस एंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो सेक्शन 73-74 में वो एक्शन लेंगे, वही चीज कहा गया इन इन द केसेस मेंशनड लाइक नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एरोनियस रिफंड दीस केसेस। अब रिस्क पैरामीटर क्या क्या रहेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट, साइज ऑफ टैक्स पेयर्स रिफंड, अगर वो बहुत हैवी रिफंड ले रहा है उसके उसका जितना आउटपुट लायबिलिटी होता है उसका परसेंटेज में बहुत हैवी रिफंड ले रहा है एक्सपोर्ट में या कोई भी चीज में, देन इट बिकम्स अ फिट केस फॉर ऑडिट। साइज ऑफ टैक्स पेयर्स टर्नओवर, ह्यूज टर्नओवर है डेफिनेटली होगा। साइज ऑफ एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस कितने क्लेम कर रहे हैं वो। चेंज इन टैक्स पेयर्स टर्नओवर, अगर कोई वेरिएशन है तो। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, मल्टीट्यूड ऑफ टैक्स पेयर्स लीगल रिलेशनशिप, एक पूरी रिस्क क्राइटेरिया दी गई है, साथ में डिपार्टमेंट की एक रिस्क मॉड्यूल भी है जिसमें स्कोर्स दिए जाएंगे हर एक एसएससी को, उसके हिसाब से भी एक ऑडिट का ये क्राइटेरिया बनेगा। लास्ट इसमें एक पॉइंट और है सर, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक इनकम टैक्स, आरओसी, आरबीआई एक्सेट्रा, फॉलो अप एक्शन भी किया जा सकता है ऑडिट में। अगर इनकम टैक्स रेज हुई किसी के पास और उससे कोई इंफॉर्मेशन एमिनेट हुआ जो कि डिपार्टमेंट को पता चला उस फाइनेंशियल ईयर को, यहाँ पे भी ऑडिट के अंदर में खोला जा सकता है। ये डिस्कस हो गया हमारा बेसिकली। ये सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कब किया जाता है, दो ही इसमें क्राइटेरिया है, वैल्यू नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स, इन दो केसेस में ही स्पेशल ऑडिट ऑर्डर की जा सकती है। वैल्यू अगर सही नहीं है, अगर डिपार्टमेंट को लगता है, या क्रेडिट सही तरीके से अवेल नहीं किया गया है, तब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जा सकता है बाय असिस्टेंट कमिश्नर विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। अब इसका टाइम लिमिट क्या है, 90 डेज टू सबमिट रिपोर्ट
एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 90 days. अब आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट अपने लिए 9 महीने ले लेता है और हमें देता है 6 महीने. कोई बात नहीं, 6 महीने में भी करने पड़ेंगे. If any tax evasion, action under section 73 and 74 shall be followed. This is very clear. Sir, section 73, 74. It is a very, very wide coverage of this chapter, but we will be restricting ourselves with the basics of this chapter today. Situations when section 73 and 74 are applicable. When tax has not been paid. Tax has been paid, but it has been paid short. Erroneous refund, that is wrong refund. Input tax credit wrongly availed. Input tax credit wrongly utilized. आपने अवेल गलती किया, यूज नहीं किया. आपने अवेल भी किया, यूज भी कर लिया. इन दोनों केस में, इन पांचों केसेस में यह चीज किया जा सकता है. The sections can be resorted to. Now, section 73 can be resorted when there is a willful, when the reason is other than fraud or misstatement. And section 74 can be resorted only when there is willful misstatement or suppression of facts. So, 73 और 74 के बीच में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि सेक्शन 73 इज अदर देन फ्रॉड, सेक्शन 74 इज ड्यू टू फ्रॉड. रीजन सेम, सिचुएशन सेम रहेंगे, ओनली विथ फ्रॉड विदाउट फ्रॉड. सेक्शन 73 विदाउट फ्रॉड, सेक्शन 74 विथ फ्रॉड. ओके, पेनल्टी क्या होती है सर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के केस में? तो ये हम बेसिक प्रीमाइस निकाल सकते हैं. ये एक चार्ट है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम है. तो ओके, नाउ दीज आर द शो कॉज नोटिसेस विच कैन बी इशूड अंडर सेक्शन रूल 142. दिस इज जस्ट इलस्ट्रेटिव लिस्ट विच आई हैव कार्व्ड आउट. देयर आर मेनी अदर्स विच कैन बी इशूड. I'll share this slide for your reference. Now we will be discussing some main demand forms. DRC 01, everyone is conversant of this form. हम सबको कहीं ना कहीं तो मिला ही है इस इन तीन सालों में. Proper officer in the GST may serve show cause notice to a person as per the provisions of the Act. Along with SCN, he shall issue a summary of SCN in form DRC 01. Along with SCN, चलिए हम SCN का फॉर्मेट देखते हैं क्या है. ये है DRC 01, summary of show cause notice. ओके, इसमें ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस में, द टैक्सपेयर अवेल रॉन्गफुल ITC इन कॉन्ट्रावेंशन, ग्राउंड्स ऑफेंस अंडर सेक्शन 122(1), देयर इज नो डिटेल. समरी का मतलब ये नहीं कि आप वन लाइनर में खत्म कर दो, कुछ तो कम से कम फैक्ट्स ऑफ द केस इन वेरी ब्रीफ भी होना चाहिए. समरी ये है, समरी बस सेम. जो इंटेंट है लॉ का, नहीं तो लॉ को ही लिखने की क्या जरूरत है कि एक SCN इशू करो फिर समरी भी लिखो उसमें, क्योंकि उससे पता चले. बट दैट इज नॉट बीन फॉलोड. नेवरदलेस वी हैव वेरी लेस ऑप्शंस एट आवर बेस्ट इन दिस वन, बिकॉज हम अगर चैलेंज भी करने जाएंगे तो इट विल बी अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ टाइम. तो ठीक है, वी विल गेट इट इफ वी डिमांड इट फ्रॉम देम, बट इट टेक्स टाइम एंड अगेन हैरेसमेंट टू द टैक्स पेयर. इट शुड हैव दीज डिटेल्स, GSTN, time period, these are basic things. Now DRC 3, a person to whom notice has been issued in form DRC 102 can make payment. ये payment का section है sir. हम तो जितना भी payment इन दिनों में annual returns के साथ भी कर रहे हैं या और भी return filing से related भी कुछ अगर कर रहे हैं तो it is happening through DRC 03. DRC 03 हम issue करते हैं, उसके बाद the officer उसका acceptance करते हैं या rejection करते हैं with reasons. और इसमें जो जो इंफॉर्मेशन है इसमें कॉज ऑफ पेमेंट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ DRC 3, वेयर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक वॉलंटरी, SCN, एंड वी हैव टू सेक्शंस, सेक्शन 73, सेक्शन 74. नाउ एनुअल रिटर्न. नाउ इफ वी सिलेक्ट एनुअल रिटर्न, देयर इज वन डिस्क्वालिफिकेशन विद अस.
if we select annual return, then we will not be able to utilize credit which is available with us. We have to pay entirely through cash ledger. A circular has been issued to this effect. So we should be very cautious in what we are doing, as to at a later stage, disqualifications may occur and this might call for litigations in future. So this cause of payment should be very seriously looked into, and it should be filled up after considering all the relevant facts. Financial year tax period and act. This is also very important because DRC 7 cannot be rectified. So financial year tax period, it should be filled up very nicely. DRC 06, so-called notice, may representation ka apna format hai. And DRC 07, this is for issuing a order. So in cheezon ko hum jyada discuss nahi karte hain. Now let us come in some interesting topics. Document identification number. Jab bhi ek SCN aata hai hamare paas, we should have some checkpoints. The first one being document identification number. Let us see kya hai document identification number mein. Circular number 122/41/2019, उसमें कहा गया था, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्च ऑथोराइजेशन, समन्स, अरेस्ट मेमो एंड इंस्पेक्शन. इन केसेस में डिन जनरेट करना मैंडेटरी है. हाउएवर देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक टेक्निकल डिफिकल्टी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण डिन जनरेट नहीं किया गया, या शॉर्ट नोटिस या बहुत जल्दबाजी में दिन जनरेट करना पड़ रहा है. इन दो सिचुएशंस में आप बिना दिन जनरेट किए बिना भी नोटिस इशू कर सकते हो, बट इट हैज टू बी इशूड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. दैट मींस दिन तो इशू करना ही होगा, चाहे आप बाद में करो ड्यू टू दीज टू डिफिकल्टीज, बट यू हैव टू जनरेट अ दिन. सब्सिक्वेंटली सर्कुलर 128/47/2019, उसमें कहा गया, ऑल कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग ईमेल्स सेंट टू टैक्स पेयर्स एंड अदर पर्संस बाय एनी ऑफिस ऑफ द सीबीआईसी अक्रॉस द कंट्री. दैट मींस किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल से हो या मैं तो कहूंगा व्हाट्सएप से भी हो, अगर वो ऑफिशियल मेल है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, सो इट हैज टू बी अकंपनीड बाय अ डिन, अदरवाइज the document becomes void ab initio, kyunki it covers it, it suffers from a very major defect. Isme kuch tark hai kuch logon ke ki section 160 mein hame iska relief milna chahiye, but we will be discussing it ki kyun nahi hoga wo. Proper officer, sir, in every section we are witnessing this word, or we are reading this word proper officer. Proper officer kya hai sir? Section 291, 2 subsection 91, in relation to any function to be performed under this act means the commissioner or the officer who is assigned that function. Okay, ek theoretical definition. Ab chaliye hum circulars padhte hain sir, proper officer kya hota hai, aur hum identify karenge aaj ki proper officer hame kaise nikalna hai aur kaise hame apne clients ke case jeetne hain is basis par. ये एक सर्कुलर है इशूड बाय सीबीआईसी. इसमें हम दो चेक्स रखते हैं सर. सबसे पहला सेक्शन 74, सेक्शन 74 एससी नोटिसेस कैन बी इशूड बाय डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स. ये सेंट्रल लॉ में है. अंडर सेंट्रल लॉ एज पर दिस सर्कुलर अ नोटिस अंडर सेक्शन 74 can be issued by deputy or assistant commissioner of central tax. Aur kahin par bhi ye section 74 ko cover nahi kiya gaya kisi bhi jurisdiction mein. Okay, ab aate hain hum Assam ne bhi ek similar notification circular issue kiya tha, order issue kiya tha. Usme hum dekhte hain sir, देखिए सर, इसमें सुप्रीमटेंडेंट ऑफ स्टेट टैक्स को अलाउ कर दिया गया है, सेक्शन 73 और 74 बोथ.
सेंट्रल में सिर्फ सेक्शन 73 अलाउ किया गया था रेंज ऑफिसर को, सेक्शन 74 ACIT को अलाउ किया गया था, मगर स्टेट आसाम स्टेट जीएसटी में सेक्शन 73 और 74 बोथ सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस को अलाउ कर दिया गया। अब अगर सुपरिंटेंडेंट इशू कर सकता है तो इसके हायर ऑफिसर्स तो ऑलवेज दे कैन इशू। ओके, सो अब क्या होगा अगर सेंट्रल टैक्स में, सेंट्रल जीएसटी में कोई भी ऑफिसर बिलो द रेंज ऑफ ACIT असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर अगर वो इशू करता है, जैसे सुपरिंटेंडेंट रेंज ऑफिसर ने अगर इशू कर दिया, डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के रेंज का, मतलब रेंज ऑफिसर ने अगर इशू कर दिया या इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग नोटिस वो इशू करता है, सो इट बिकम्स सफर्ड, इट सफर्स फ्रॉम अ वेरी मेजर डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उनको इशू करने की। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर स्टडिंग एनी SCN। हमेशा हमें उस प्रॉपर ऑफिसर की, जिसने भी उस चिट्ठी को साइन किया है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को समझना चाहिए, वेदर ही इज अ प्रॉपर ऑफिसर विद इन द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग SCN, जैसे हमने सेक्शन 73, 74 में देखा, सेक्शन 73 में 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न है, सेक्शन 74 में 5 इयर्स है, और बाकी बहुत सारे सेक्शन है जिसमें अलग अलग हमारे पास प्रावधान है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अब जो SCN इशू हो गया है, क्या वो टाइम लिमिट, टाइम बारिंग तो नहीं हो गया है? अगर टाइम बारिंग हो गया है तो हम उसी पॉइंट पर उसको चैलेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी मेजर प्रोविजन विच शुड बी, वी शुड ऑलवेज बी, डिपार्टमेंट भी इस चीज को ध्यान में रखती है नॉर्मली, बट देर आर केसेज एंड वी हैव विटनेस्ड मेनी केसेज वेर दिस थिंग हैज हैपेंड एंड द डिपार्टमेंट वॉज कंपेल्ड टू टेक बैक द सेम। फ्री कम्युनिकेशन सर, रूल 142(1)A, रूल 142(2)A। सर रूल 1A कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स, मतलब आप DRC-01 इशू करने से पहले DRC-01A इशू करो, आप शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले आप उस SSC को ये बताओ कि हम ये करने जा रहे हैं, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? ओके? इसका मतलब हुआ कि द लॉ वांट्स द असेसिंग ऑफिसर, द डिपार्टमेंट टू एंगेज विद द SSC एंड टू इन्फॉर्म हिम दैट दीज आर द फाइंडिंग्स एंड वी आर गोइंग टू इशू अ SCN ऑन दिस बेसिस। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? सर सुविधा केडिया जी, इफ DIN इज नॉट मेंशनड इन SCN देन वी शुड मेंशन that in a reply or we are not liable to reply to SCN. So, madam, देखिए इसमें क्या होता है, जब DIN, सबसे पहले मैं आपको वापस से ये clarify कर दूं कि DIN state taxes के केस में applicable नहीं हो रहा है, maximum मैंने सुना है दिल्ली में applicable हुआ है, बाकी states में मैंने सुना नहीं है। So, central का कोई भी letter है अगर, if there is any letter from the CGST department, it has to mandatorily cover DIN. And the without DIN if any letter is there it is void ab initio, but main aapko ye nahi kahunga ki aap usko reply mat karo, aap unko reply karo aur aap unko ye likho ki sir we are in receipt of this letter and we are ready, we are in possession of all facts and details for the related case, however the letter does not have a DIN which is against the provisions of this act and the proceedings might become void of initio if we proceed with this letter. तो आप कम से कम ये reply जरूर करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप reply ही मत करो, क्योंकि उसके बाद फिर वो enforcement actions में आ जाएंगे। आप हमेशा reply करो, officer के साथ engage करो और उनको बताओ कि defect है, हम इस letter का तो reply नहीं करेंगे, आप अच्छे से हमें letter भेजो, you send us a fresh letter with DIN mentioned in it and then we'll be replying you with everything you require. Okay? और भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए काइंडली इन्फॉर्म मी, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस द सेम। प्री कम्युनिकेशन की रेलेवेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी MHS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि प्री कम्युनिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है और वो नहीं होने से क्या इरेगुलरिटी आ जाती है असेसमेंट में। यस, अब क्या हुआ सर,
डिपार्टमेंट तो हमारी तो सुनता नहीं है, अपने ऑफिसर्स की सुन लेता है। उन लोगों ने देखा कि प्री कम्युनिकेशन 90% केसेस में फॉलो नहीं हो रहा, किसी भी केस में DRC 01 इशू नहीं किया जा रहा। किसी भी केसेस नहीं बोलूंगा, मगर मैं कहूंगा बहुतायत में इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस DRC 01 इज नॉट इशूड, एंड एज अ रिजल्ट दिस माइट कॉल फॉर फ्यूचर लिटिगेशंस। सो टू अवॉइड दिस व्हाट द डिपार्टमेंट डिड इज दिस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे लिए भी अगर किया जाता तो बहुत अच्छा रहता। द CBI इशू वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस अमेंडेड रूल 142(1)(a) इन द फॉलोइंग मैनर, making it optional for the proper officer to communicate the details, means GSTR DRC 01A issue karna optional kar diya gaya. Kya kiya unhone? Chaliye hum piche jaake dekhte hain kya kiya unhone. Ye jo shall hai, the proper officer shall, isko may kar diya. Niche second line mein jo shall hai, isko may kar diya. The proper officer may, before service of notice, as the case may be, may communicate the details. So, अब अगर DRC 01A इशू नहीं होता है तो देर इज नो सच इरेगुलरिटी एंड द कोर्ट्स विल नॉट बी टू आर रेस्क्यू। वी कैन ऑलवेज रेज अ पॉइंट दैट द प्रोसीजर वाज नॉट फॉलोड, बट द डिपार्टमेंट विल से दैट इट इज ऑप्शनल एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्री कम्युनिकेट विद द SSC एज ऑन डेट। बट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, इसीलिए मैंने वो जजमेंट को कोट किया है, ताकि उस जजमेंट को भी अगर किसी केस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो वो जजमेंट को कोट किया जा सके। अब मैं जो बता रहा था कि दिन के केस में कुछ तर्क वितर्क आ रहे हैं, ये आ रहे सेक्शन 160 के कारण। उसमें कहा जा रहा है सेक्शन नॉट असेसमेंट प्रोसीडिंग नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स है? Shall be deemed to be invalid merely by reason of any mistake or omission therein. Line number 3 or 4 dekhiyega. Shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission therein. Sir, so is non-mentioning of DIN a mere mistake? I don't think so, sir. This does not, because the language kya likha hua hai isme, if it is in effect in conformity with the intent or purposes of this act. Intent kahan pura hua? If DIN is not there, to avoid fake letters. Now if DIN is not mentioned in the letter, that means DIN has not been generated. If DIN has not been generated, where is the intent? Where we have confirmed with the intent of the law. So in my humble view, this section cannot be invoked. और हमें ये idea भी नहीं देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि हम खुद का नुकसान कर देते हैं ऐसे बातें बोलकर। तो इस चीज को हमेशा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इस केस में assessment proceedings या वो लोग उसको rectify कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे, they have to issue a fresh letter with a DIN. This is my humble view and this will be confirmed in the time to come by courts also. हाँ सर, अब आ जाते हैं हम मेन इशू पर, जिस इशू पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है इन दिनों में। I fall under the central jurisdiction. Can the state officer assess me and send notices? सर मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या आप अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि क्या इस केस में लेटर्स, अगर मैं सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन में हूं तो स्टेट वाले क्या मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, मेरा असेसमेंट कर सकते हैं? एनीवन? विकास बंका जी बोल रहे हैं नो। एनीवन एल्स? ओके सर, हम जब देखेंगे ना इन दिनों में ये जो क्रॉस एम्पावरमेंट का इशू है, इस तरह से बूमरैंग हुआ है SSCs के ऊपर कि एक SSC को सेंटर वाले भी एसेस कर रहे हैं, स्टेट वाले भी एसेस कर रहे हैं, DGCI भी एसेस कर रही है। इनफैक्ट
एक केस में मैंने विटनेस किया, वो स्टेट जुरिसडिक्शन में पड़ता है, उसका स्टेट वाले तो असेसमेंट कर ही रहे हैं इन वेरियस केसेस, सेंटर में इंटेलिजेंस विंग उसका असेसमेंट कर रही है, सेंटर में रेंज ऑफिसर एक उनका असेसमेंट के लिए नोटिस भेज रहे हैं और डीजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है ऑन ट्रिवियल इश्यूज, स्मॉल मिसमैचेस। तो अब उसमें क्या किया जाना चाहिए? हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं सर सबसे पहले। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 सेज सब्जेक्ट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। विकास सर बोल रहे हैं रिट। सर रिट का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रिट फाइल करें। ओके आप बोल रहे हैं रिट फाइल करने के लिए। यस सो सेक्शन 6 हम पढ़ते हैं सर। द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और UTGST एक्ट आर ऑथोराइज टू बी प्रॉपर। नथिंग इज ऑडिबल क्षितिज जी कह रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके 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 सर बिल्कुल आ रही है। क्षितिज जी प्लीज चेक एट योर एंड। यस सर। सो ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द SGST और UTGST आर ऑथोराइज टू बी प्रॉपर ऑफिसर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ CGST एक्ट। मतलब स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं वो सेंटर के भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब स्टेट के ऑफिसर भी सेंटर के ऑफिसर हो सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर हम पढ़ रहे हैं, प्रोवाइडेड कि उसके सपोर्ट में GST काउंसिल का डिसीजन हो और नोटिफिकेशन इशू किया जाए। ओके इसको हम यही क्लोज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सर, इसकी हिस्ट्री समझते हैं कहां से ये शुरुआत हुई इसकी। 9th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड ऑन 16th जनवरी 2017। सर डेट नोट कीजिएगा 16th जनवरी 2017, मतलब GST आने से पहले, 3 महीने पहले। इसमें कहा गया बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस शैल हैव द पावर टू टेक इंटेलिजेंस बेस्ड एनफोर्समेंट एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन। सो GST काउंसिल ने जनवरी में, दैट इज 9th GST काउंसिल मीटिंग में कहा कि सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस दोनों साइमल्टेनियसली अगर इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है तो उसमें एक्ट कर सकते हैं, दोनों ही एसेस कर सकते हैं। तो दिस वॉज द बेसिक प्रीमाइस बिहाइंड दिस एंटायर नोशन। ओके फिर आई सेकेंड 21st GST काउंसिल मीटिंग, जो GST एक्ट आने के बाद आया, GST लॉ बनने के बाद 9 सितंबर को GST काउंसिल मीटिंग हुई, जिसमें कि बंटवारा किया गया कि कौन से एसेसिस आप लोगे, कौन से एसेसिस हम लेंगे। वही 1.5 करोड़ से नीचे वाले, 1.5 करोड़ से ऊपर वाले, 50-50, 1.5 करोड़ से नीचे वाले, 90%, 10%, वो विभाजन किया गया। तो अब उसकी हम पटकथा को समझते हैं। यस 20 सितंबर, सर 20 सितंबर को 9 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग थी, 20 सितंबर को ये सर्कुलर आता है जो कि कहता है गाइडलाइंस फॉर डिवीजन ऑफ टैक्स पेयर बेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स टू एंश्योर सिंगल इंटरफेस अंडर GST। सर माइंड माय वर्ड्स, इट सेज सिंगल इंटरफेस अंडर GST। तो इसमें वही 1.5 करोड़ से नीचे वाले में 90% स्टेट रखेगा, 10% सेंट्रल, और 1.5 करोड़ से ऊपर वाले में 50-50% दोनों बांट लेंगे और वो रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर होगा। मगर जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, इसमें लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4, सूटेबल नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स अंडर CGST एंड SGST एक्ट्स आर बीइंग इशूड सेपरेटली। दैट मींस जो क्रॉस एम्पावरमेंट की बात अपने 9th GST काउंसिल मीटिंग में बात हुई थी, उस चीज को कार्यान्वित करने के लिए और टू ऑपरेशनलाइज दैट डिसीजन सुटेबल नोटिफिकेशंस विल बी इशूड। इसमें कुछ नहीं कहा गया है। ओके अब हम आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 39। नोटिफिकेशन 39
2017, 13th October 2017, मतलब ये एक महीने की ही बात रही होगी. इसमें क्रॉस एम्पावरमेंट अलाउ किया गया, जिसमें कहा गया रेस्पेक्टिव स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफिसर्स हु आर ऑथोराइज्ड टू बी द प्रॉपर ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54 और 65 shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section this of the CGST Act. मतलब state act में section 54 और 55 के अंदर में refund issue करने के लिए जो authorized हैं, उनको हम central act में भी refund issue करने के लिए authorized कर रहे हैं. मतलब जो SSCs central में registered हैं, वो उनका assessment, उनका refund अगर state officer issue करता है तो भी वो कर सकता है. He is also a proper officer as per the provisions of this act, as per the provisions of this notification. अब यहां पर कहां लिखा हुआ है कि intelligence based information को भी state officer assess कर सकता है? Sir, I would like to tell, इस तरह का कोई notification issue नहीं किया गया जिसमें कि ये कहा गया हो कि state officers are empowered to be proper officers to take on in intelligence based enforcement information. कहीं पर भी नहीं लिखा गया. जब डिपार्टमेंट को इस चीज के लिए कॉन्ट्राडिक्ट किया गया तो डिपार्टमेंट ने एक शगुफा छोड़ दिया. ये 5 अक्टूबर 2018 एक साल बाद ये एक चिट्ठी है. इट इज नीदर अ सर्कुलर नॉर अ नोटिफिकेशन विच सेज In this regard, GST Council in its 9th meeting held on this date had discussed and made recommendations regarding administrative division of taxpayers and concomitant issues. The recommendation in relation to cross empowerment of both tax authorities for enforcement of intelligence based action, इसमें इस चीज को इन लोगों ने include किया जो कि हमने 9th GST Council meeting के minutes में पढ़ा था. वो कह रहे हैं इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड दैट द ऑफिसर्स ऑफ बोथ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स आर ऑथोराइज्ड टू इनिशिएट इंटेलिजेंस बेस्ड एनफोर्समेंट एक्शन ऑन द एंटायर टैक्सपेयर्स बेस इरिस्पेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट ऑफ द टैक्सपेयर टू एनी अथॉरिटी. दैट मींस कि अगर स्टेट का एसएससी है तो सेंटर उसको एससीएन इशू कर सकती है फॉर इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन. अगर सेंट्रल का है तो स्टेट वाले इशू कर सकते हैं. मगर मेरा ये सवाल है सर, Is this letter enforceable in a court of law? Is it mandatory for the SSC or in any case the departmental officers? ये एक letter है, ये एक circular भी नहीं है. Is it binding? Any replies? क्या हम इसे binding मानेंगे? नहीं. I don't think we should take it as binding because binding is only notification. अगर notification issue होता तब हम इसे binding form मानते, otherwise we cannot take it as a binding thing. So, with all humility, I would like to say you, I would like to tell you that except refund, section 54-55 के case को छोड़कर किसी भी case में cross empowerment allowed नहीं है. अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, यू आर फ्री टू चैलेंज इट. यू आर ऑलवेज फ्री टू चैलेंज द नोटिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ऑफ कोर्स वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स उसको नहीं मानेंगे और वो आपके अगेंस्ट में ये पेनल्टी, ये असेसमेंट प्रोसीजिंग स्टार्ट कर देंगे. तो इससे अच्छा होगा अगर इफ यू वांट टू चैलेंज इट इमीडिएटली अंडर आर्टिकल 226 रिट फाइल कीजिए. रिट फाइल करेंगे, द कोर्ट विल डेफिनेटली कम टू द रेस्क्यू एंड हेल्प दिस बिकॉज़ इट इज अ वेरी क्लियर एंड शट केस एज नो नोटिफिकेशन फॉर एनेबलिंग क्रॉस एम्पावरमेंट हैज बीन इश्यूड टिल डेट. यस, देयर आर नो. अब किन केसेस में शो कॉज नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है? हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं आज की डिस्कशन के. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 62 हमने डिस्कस किया कि बेस्ट जजमेंट करने से पहले नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो कहते हैं कि भाई आप रिटर्न फाइल कर दो नहीं तो हम बेस्ट जजमेंट कर देंगे. और बाद में जब बेस्ट जजमेंट किया जाता है तो असेसमेंट करने के बाद ही उनको इन्फॉर्म किया जाता है और अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आप रिटर्न फाइल कर दो.
या इंटरेस्ट के केस में ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर सेक्शन 50. इन दो केसेस को छोड़कर कोई भी प्रोविजन में एससीएन को डिसअलाउ नहीं किया गया है. इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का केस है जिसमें कहा गया है द प्रॉपर ऑफिसर हैज पास्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 50 एंड लेविड इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट विदाउट इशूइंग शो कॉज नोटिस. द रजिस्टर्ड पर्सन हैज अलेज्ड हाई कोर्ट हैज सेड इस बेसिक प्रिंसिपल. हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया कि भाई ये ब्रीच इन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेएबल टू यू. सो उस केस में स्पेसिफिक ये दो ही केसेस है जिसमें कि सेक्शन 62 तो ऑलरेडी दे आर गिविंग यू सम अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न एंड एक्सप्लेनिंग योर केस. बट जब आपने 15 दिन में भी फाइल नहीं किया तब उन्होंने असेसमेंट किया. सो सेक्शन 50 ओनली रिमेन्स द सेक्शन अंडर विच देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एससीएन. नाउ मिसलेनियस इश्यूज. मल्टीपल नोटिस आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ग्राउंड सेम नहीं हो सकते. अलग अलग ग्राउंड्स में अगर कोई किए जाए तो आई थिंक मल्टीपल नोटिसेस कैन बी इशूड. इश्यूएंस ऑफ सेकेंड नोटिस फॉर द सेम पीरियड. इश्यू ऑफ सेकेंड नोटिस टू रिव्यू. रिव्यू करने के लिए आप सेम अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए नोटिस इश्यू नहीं कर सकते. दो लॉ में इस तरह से कुछ नहीं लिखा गया बट देर आर अ होस्ट ऑफ जजमेंट्स. दिल्ली हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, आपका एसएसटीएच का एक जजमेंट है जिसमें कि हमें ये क्लियरली कहा गया है कि रिव्यू करने के लिए अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए नोटिस इश्यू नहीं किया जा सकता. सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन फॉर टुडेज सेशन. इफ देयर आर एनी क्वेरीज प्लीज वी कैन डिस्कस दैट. थैंक यू आयुष भैया. वेलकम सर. सच अ गुड एंड डिटेल्ड डिलिब्रेशन ऑन हाउ टू हैंडल द जीएसटी नोटिसेस. Participants, if any questions you have, please write on chat box or raise your hand. I think they understand all the things which you have detailed and discussed, so there is no questions. Either nothing is understood or everything is understood. And everything understood. Now I request Vivek Bhaiya, our secretary, to give a vote of thanks. Over to Vikash Bhaiya, Vivek Bhaiya. Thanks, Kavinder. Am I audible? Yes, yes. On behalf of Vivka, I would like to thank CA Dr. Ayush Sarafji for sharing his views on handling notices under GST law. Sir, you deliberated the said topic in a very nice and lucid manner. Really, the session was very informative and interactive, and I am sure it will give the value addition to our professional knowledge, sir. Thanks a lot, sir. And thanks to all viewers for joining. Thank you. Thank you all. Thank you. Important announcement we have. संडे मॉर्निंग को फिजिकल मोड में सेमिनार ऑन बैंक ऑडिट पर है अपने विपका प्रीमिसेस में और टाइमिंग है 10 to 1. स्पीकर तुषार कांतु बसु. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन. थैंक यू भैया. थैंक यू सर. थैंक यू आयुष जी. थैंक्स आयुष जी. थैंक यू सर. नाउ वी आर एंड ऑफ द सेशन. आई एम जस्ट एंडिंग द सॉरी. थैंक यू भैया. थैंक यू. या थैंक्स टू या.